अगर आपको रंग बिरंगी तितलियों को देखना है तो कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। मांडव स्थित दाई महल क्षेत्र में तितलियां पार के लिए लगभग 6 माह का इंतजार और करना होगा। खूबसूरत एंट्री गेट, अत्याधुनिक पॉलीडोम हाउस से इस पार्क को सजाया जाएगा। इसके अलावा यहां पर तितलियों की कई प्रजातियों को संरक्षित किया जाएगा। इसके लिए अत्याधुनिक डिजाइन का 10,000 स्केटर फीट का डोम और स्ट्रक्चर प्लान किए गए हैं, जिसका कार्य प्रगति पर है। तितलियों की प्रजातियों के बारे में DFO राठौर ने कहा कि पूरी दुनिया में तितलियों की 2,000 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें 1,500 से अधिक प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। यह हजारों किलोमीटर तक पलायन करती हैं। इस रास्ते में उनकी पिछली पीढ़ी खत्म होती जाती है और नई जन्म लेती जाती है। ऐसे में इनकी सुरक्षा के लिए कई जगहों पर तितली पार्क बनाए गए हैं। वन मंडलाधिकारी द्वारा मांडू में तितली पार्क निर्माणाधीन है। आज इस साइट का DFO साहब के साथ अवलोकन किया गया है और निश्चित रूप से अभी से प्रकृति के इतना नज़दीक है, ये चिड़ियों के चहचहाट और बाकी माहौल है। यहाँ पे सामने तालाब भी है और यहीं पे हम लोगों ने आगे बनने वाला माल रोड भी प्लान किया है, जिससे लोगों का जो मांडू आते हैं वो एक दो दिन रुकें और यहाँ पे वॉक भी करें, देखें, उनके लिए मनोरंजन की भी चीज़ें। और तितलियों की बहुत सी प्रजाति यहाँ पे संरक्षित होंगी, उसके लिए अत्याधुनिक डिजाइन का डोम और बाकी स्ट्रक्चर्स DFO साहब द्वारा प्लान किए गए हैं और वो कार्य प्रगति पे है और बहुत शीघ्र है ये तैयार होगा और जनता को देखने के लिए उपलब्ध होगा। तो ये तितली पार्क जो अभी कलेक्टर साहब के साथ हमने दौरा किया है, ये इको डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा स्वीकृत जो प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत बनाया जा रहा है, जिसमें एक डोम का निर्माण प्रस्तावित है 10,000 स्क्वायर फीट का। इसमें इंडोर बटरफ्लाइज रहेंगी और बाहर भी एक हम लोग इसके पैच में नेक्टर प्लांट और होस्ट प्लांट के थ्रू एक नेचुरल भी एक बना रहे हैं और एक इंडोर का आर्टिफिशियल भी बना रहे हैं।